नमोनारायण जी, नमोनारायण जी, नमोनारायण जी। दोस्तों, बड़े लंबे समय बाद आज सबसे दोबारा मिलना हो रहा है और आज मैं एक बेहतरीन विषय लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत रत्न जिसे कहा जाता है एलेक्जेंड्राइट। एलेक्जेंड्राइट के बारे में अगर हम बात करें तो एलेक्जेंड्राइट एक ऐसा जेमस्टोन है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो एलेक्जेंड्राइट के बारे में जानते हैं या इस रत्न के बारे में कुछ न कुछ विशेष जानकारियां अपने पास समेट के रखते हैं। आज मैं इसका बहुत अच्छा खुलासा करूंगा आपको कि ये रत्न आपको क्या लाभ दे सकता है, क्या बेनिफिट दे सकता है और कहां मिलता है, कैसे मिलता है। सबसे पहली बात तो एलेक्जेंड्राइट रत्न बहुत ही रेयर है। जैसे कि कश्मीर का नीलम रेयर होता है, इसी प्रकार से एलेक्जेंड्राइट स्टोन उससे भी कहीं ज्यादा रेयर होता है। सबसे पहले इसकी जो खोज है वो रशिया में हुई थी। रशिया के अंदर ये रत्न निकलता है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि हिंदुस्तान की धरती पर भी ये रत्न निकलता है। झारखंड में एक जगह है और एक उड़ीसा के अंदर एक माइंस है जहां से ये रत्न निकलता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होने की वजह से इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है। और ये एलेक्जेंड्राइट का आज मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। GRS एक लैब है, GRS एक बहुत बड़ी लैब है वर्ल्ड की। इसकी बहुत ज्यादा इसकी काफी ज्यादा महंगा प्राइस में ये बनाई जाती है और ये स्विट्जरलैंड से तैयार की जाती है। आप इसके अंदर देखेंगे एलेक्जेंड्राइट की खूबी क्या है। आप मैं बिल्कुल क्लोज लेके आता हूं, देखिए इसमें डबल कलर दिखाई दे रहा है आपको। एलेक्जेंड्राइट एक ऐसा रत्न है जो दिन में अलग कलर होता है और रात के समय में अलग कलर होता है। एलेक्जेंड्राइट की जो फैमिली है, जो एलेक्जेंड्राइट की जो बैक फैमिली हिस्ट्री है, वो है क्राइसोबेरियल। नेचुरल क्राइसोबेरियल जो होता है वो उसके अंदर जब क्राइसो जैसे आपको मैंने बताया था कि कश्मीर का नीलम को या कोई भी नीलम है, जैसे करंडम जाति होती है, करंडम जाति से फिर नीलम, पुखराज, रूबी बहुत सारे रत्न निकलते हैं। इसी प्रकार से क्राइसोबेरियल जो जाति है, क्राइसोबेरियल में क्या जो लसनिया आते हैं जिसको कहते हैं लसनिया, लसनिया सबसे सस्ता रत्न आता है लेकिन महंगा भी बहुत होता है लसनिया कैट साइड। लेकिन जो रत्न डबल कलर चेंज करता हो, यानी कि जिसके अंदर दिन का रंग अलग, रात का रंग अलग, या फिर ऐसा कहिए कि अगर आप क्राइसोबेरियल पे यानी एलेक्जेंड्राइट पे जब आप लाइट मारते हैं तो ये कलर चेंज करेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी खूबी क्या, कलर चेंज करेगा। क्राइसोबेरियल एक ऐसा रत्न है जिसे पहन के आप धरती के राजा भी बन सकते हैं, आप सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट जिसे कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट क्या करते थे, इस प्रकार के एलेक्जेंड्राइट स्टोन या कुछ ऐसे विशेष रत्न है। आज भी रत्न शास्त्र को जब आप अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे रत्न है जिनके बारे में सुना भी नहीं होगा आपने, जिनको पहनने से बहुत पावर मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। सबसे ज्यादा ये जो रत्न है लक को बूस्ट करता है, जो आपका किस्मत है, आपका जो लक है, इसे बूस्ट करता है। दूसरी बात है जो मान सम्मान है, प्रोस्पेरिटी है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इस रत्न को पहनने से सबसे ज्यादा पावर मिलती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इस रत्न को, बिल्कुल नजदीक से दिखाता हूं। ये देखिए, आज हमने एक ये लॉकेट बनाया है, पेंडेंट बनाया है इसका। ये पेंडेंट देखिएगा कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है प्रभु कृपा से। और जब इसके ऊपर मैं लाइट लगाऊंगा, लाइट इसके ऊपर, तो इसका कलर चेंज होगा। ये दिन के अंदर ग्रीनिश टोन में दिखाई देगा, लेकिन रात के समय में यही रतन आपको थोड़ा सा ऐसे ग्रे कलर के अंदर शो करेगा। और इसके अंदर थोड़े थोड़े अलग अलग कलर शेड चेंज होती है। किसी किसी रतन के अंदर, किसी किसी एलेक्जेंड्राइट में रेड और येलो का कॉम्बिनेशन आता है, किसी में रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आता है, किसी में ग्रीन और ग्रे का कॉम्बिनेशन आता है। छाव में कलर अलग है, धूप में कलर अलग होगा, रात को अलग होगा, दिन सुबह के समय में अलग होगा। ये कलर चेंज करने वाला रत्न है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है ये रत्न। और दोस्तों, एलेक्जेंड्राइट की मैं कितनी तारीफ करूं, ये एक कैरेट से लगभग एक कैरेट सवा कैरेट की रेंज ही इसकी लाखों रुपए की होती है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो लगभग 1 लाख रुपए पर कैरेट से इसकी शुरुआत होती है और ऊपर 10 लाख रुपए पर कैरेट तक इसके प्राइस चले जाते हैं। ऐसा क्यों? कुछ रत्न इसके अंदर होते हैं जो अपना 50% कलर चेंज करते हैं, कुछ रत्न होते हैं 60% कलर चेंज करते हैं। अब इसकी लैब कौन बनाते हैं? GIA, IGI, GTL कुछ ही बड़ी लैब है जो इसकी लैब कराती है। ये GRS लैब 50% कलर जिसका चेंज होगा वो
जिस रत्न में 50% कलर से नीचे कलर चेंज हो वो क्राइसोबेरियल ही रहेगा, वो अलेक्जेंड्राइड नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे 50% से ऊपर जाएंगे तो लेबोरेटरी ऑटोमेटिक इसके ऊपर अलेक्जेंड्राइड लिखेगी, लिखना पड़ेगा। ये इसमें आप देखिए स्पेशली लिखा है कलर चेंजिंग फ्रॉम येलोइश ग्रीन, स्पेशली लिखा है, स्पेशली लिखा है इसके ऊपर, ठीक है। कलर चेंज फ्रॉम येलोइश ग्रीन डेलाइट टू ब्राउनिश ऑरेंज, ठीक है। ये इसकी पूरी हिस्ट्री है इसमें, इसका साइज, इसका कलर, और इसको दोनों कलर के अंदर इसकी फोटो भी दी गई है साथ में। सबसे बड़ी बात है दोनों कलर में फोटो भी साथ दी गई है कि ये एक कलर ये है इसका, दूसरा कलर ये है। सो दोस्तों इसके अलावा इसकी और एक खूबी क्या होती है, इसकी जो आप लैब की बात करेंगे, जैसे जीटीएल लैब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है, जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन हिंदुस्तान की, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको चलाती है, जिसको जीजीईपीसी के नाम से जाना जाता है, या अलग अलग दिल्ली की एक लैब है उसको अलग नाम से जाना जाएगा, जयपुर की लैब है, बॉम्बे की लैब है, तो मोटा मोटी जीटीएल या आईजीटीएल के नाम से भी इसे जाना जाता है। सो ये देखिए, जब भी आप कभी अगर ऐसा पत्थर लेते हैं तो किसी अच्छी लेबोरेटरी से आप इसको टेस्ट करवा के जरूर लीजिएगा। और ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला स्टोन होता है, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस होते हैं, स्पेशली जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, जो डिफेंस के ऑफिसर्स होते हैं, या फिर जो लोग जिनका प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर कोई ऐसा काम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, या बहुत ज्यादा आपका नेचर है रिस्क लेके काम करने का है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आप अरबों का बिजनेस करना चाह रहे हैं, लाखों है लेकिन करोड़ों में जाना चाह रहे हैं, जो रिस्क फैक्टर वाले लोग जो थोड़े से ज्यादा रिस्क लेके चलते हैं उन्हें अलेक्जेंड्राइड जरूर पहनना चाहिए। सो दोस्तों इसके ऊपर और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आने वाले वीडियो में आपको दी जाएगी। सो आज काफी लंबे समय बाद आपसे मिलना हुआ और उम्मीद करता हूं आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। जल्द ही पेश करेंगे नारायण जी आपको एक नया वीडियो, और मिलते हैं जल्दी। आज्ञा दीजिए। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।